राजस्थान के उदयपुर में चिंतन शिविर से पहले उठी बड़ी मांग, राहुल गांधी को बनाया जाए कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने उठाई ये मांग, राहुल गांधी हमारे नेता और राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए राहुल गांधी ही कार्यकर्ताओं की पसंद। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को जनहित के मुद्दों पर कटघरे में खड़ा किया है, हम चाहते हैं राहुल गांधी फिर बने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष। अब इसी को लेकर बातचीत के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी और ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, देखिए पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की ओर से बड़ी मांग उठाई गई है और निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री की ओर से भी जब संबोधन दिए जाते हैं तो उनकी ओर से ये बात कही जाती है कि केंद्र सरकार का अगर कोई मजबूती से सामना कर रहा है तो वो है राहुल गांधी, एकमात्र नाम जो मुद्दों को उठाते हैं। देखिए, राहुल गांधी को लेकर आपको ध्यान होगा कि आज से कुछ सालों पहले जब यूपीए की सरकार थी और जयपुर में चिंतन शिविर हुआ था, उस वक्त भी राहुल गांधी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात होती थी और पहली बार कांग्रेस के बड़े मंच पर आवाज बुलंद की गई थी और तब राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के करीब थे और किन्हीं कारणों से वो नहीं बने उस वक्त और उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया और उसके कुछ समय बाद राहुल गांधी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। अब फिर से चिंतन शिविर है और राज्य भी वही है राजस्थान, लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और कांग्रेस इस वक्त सोनिया गांधी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर भूमिका निभा रही है। राजस्थान की कांग्रेस की लीडरशिप प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने मांग की है कि राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए और राहुल गांधी कार्यकर्ताओं की पसंद है, आम लोगों की पसंद है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डोटासरा ने आज पीसीसी में पत्रकारों के सवालों के जवाब के दौरान ये बात कही। पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि क्या फिर से राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने की मांग उठेगी, तब डोटासरा ने इसके जवाब में कहा कि राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पसंद है, राहुल गांधी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए क्योंकि वही देश में एकमात्र विपक्ष के ऐसे नेता हैं जिन्होंने जनहित के मुद्दों पर केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का काम किया और केंद्र की मोदी सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा और राहुल गांधी ने समय समय पर मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बात कही और इसके साथ ही उन्होंने उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने मोदी सरकार से लोहा लिया। बिल्कुल योगेश, अब देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जो अटकलें भी लगाई जा रही थी कि हो सकता है कि चिंतन शिविर के दौरान राहुल गांधी की ताजपोशी हो जाए, तो वही दूसरी ओर अब मांग भी इस बात को लेकर के उठने लगी है, तो देखना यही महत्वपूर्ण होगा कि जब चिंतन शिविर होगा तो उस दौरान क्या राहुल गांधी की ताजपोशी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी बातचीत के लिए।